मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल ने 2024-25 का वार्षिक एग्ज़ाम यानी मेन एग्ज़ाम कक्षा 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। चलिए देखते हैं, ये रहा क्लास 10th का टाइम टेबल। टाइमिंग जो है 9 से 12 है, ठीक है, और 27 फरवरी से पेपर शुरू होगा। हिंदी का है, फिर उर्दू का है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है यानी AI का है, जो भी बच्चे लिए होंगे सब्जेक्ट उनका। देन उसके बाद अंग्रेजी का है, अंग्रेजी का 3 को है, ठीक है, 27 के बाद 3 का अंग्रेजी है, फिर ये मराठी गुजराती जिनकी लैंग्वेज होगी उनका है 5 को। देन उसके बाद संस्कृत का पेपर 6 को है गुरुवार को, 10 को गणित है और 13 को सामाजिक विज्ञान, और बुधवार 19 तारीख को साइंस, लास्ट सब्जेक्ट आपका साइंस है, ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि टाइमिंग के साथ साथ बच्चों को इसमें विषय कोड जरूर याद कर लेना है, ठीक है। देखो, देख लेना है पेपर हॉल में, जब आप बैठेंगे तो आंसर शीट में ये सब्जेक्ट कोड डालना पड़ता है, ये सभी के सब्जेक्ट कोड यहाँ पे डले हुए हैं, तो जो भी सब्जेक्ट हो उनके विषय कोड आप पहले से देख लो, ठीक है। ये सभी के विषय कोड हैं, तो इनको आप याद रखना, टाइमिंग याद रखना 9 से 12 है, ठीक है। ये सभी के लिए है, नियमित हो या स्वाध्यायी, इसका मतलब है रेगुलर हो या प्राइवेट, सभी बच्चों के लिए टाइम टेबल जारी हुआ है। अब आते हैं 12वीं के, 12वीं का जो पेपर है वो 25 फरवरी से शुरू होगा, ठीक है। पहला हिंदी का है, देन उसके बाद इंग्लिश का है 28 को, फिर उर्दू मराठी है 1 को, देन फिजिक्स का है, जिनका सब्जेक्ट फिजिक्स होगा उसका पेपर 4 को है, ये भी देख लें सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हैं, विज्ञान, तत्व, कला, इतिहास, जो भी है। देन 5 तारीख को बायोटेक्नोलॉजी वालों का है, तबला वगैरह जो भी है। फिर ड्राइंग का है 6 को, फिर भूगोल का आपको 7 तारीख को पेपर है, देन बायोलॉजी 8 तारीख को बायो को पेपर है, ठीक है। फिजिक्स के बाद जिन बच्चों का फिजिक्स का पेपर होगा वो 4 को पेपर देंगे, देन उसके बाद अगर एडिशनल में बायो है तो 8 को पेपर देंगे, ठीक है। देन मनोविज्ञान का है प्रैक्टिस, फिर ये आपका इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस है, 11 को 10 को मनोविज्ञान है। फिर संस्कृत जिन बच्चों का है तो ये 12 तारीख को है। देन रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, ये साइंस ग्रुप वालों के लिए रसायन शास्त्र का जो पेपर है 17 तारीख को है, डायरेक्ट 8 दिन का गैप दे दिया है, ठीक है। और जिनका बायो नहीं है तो वो तो डायरेक्ट 4 के बाद डायरेक्ट 17 आएंगे, 13 दिन के गैप में, बहुत अच्छा टाइमिंग है। बुधवार को शारीरिक शिक्षा का है, फिर गुरुवार को समाजशास्त्र का है जिन बच्चों का होगा, बीए वालों का। इसके बाद कृषि, होम साइंस वगैरह जो है 22 को है, फिर राजनीति शास्त्र है आपका 24 को, और लास्ट में मैथ ग्रुप का है 25 को पेपर, 17 के बाद 25 को पेपर है मैथ का, काफ़ी गैप दे दिया, ठीक है। तो इस प्रकार कहा जाए कि 25 तारीख से शुरू होगा फरवरी और जा करके 25 मार्च को ख़त्म, पूरे एक महीने पेपर चलने वाला है इन बच्चों का जो 12th में है, ठीक है। और जो बच्चे 10th में हैं तो इनका शुरू होगा, कहा जाए कि 27 फरवरी को शुरू हो जाएगा और जा करके 19 मार्च को ख़त्म होगा पेपर साइंस का लास्ट में, ठीक है।